एक बार फिर स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। आइए देखिए हमारे साथ देश और दुनिया की ताजा खबरें। जोशीमठ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार सभी ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर अपने पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हालांकि आजकल जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और जबरदस्त बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन इस बर्फबारी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सभी ग्रामीण इलाकों में देखे जा रहे हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। कहा कि उन्हें जनता का भी सहयोग मिल रहा है और साथ ही काफी संख्या में लोग भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि चुनाव 5 साल में एक बार जरूर आता है, लेकिन इस बार का चुनावी माहौल कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपनी पार्टी को मजबूत बनाने पर लगे हुए हैं। गांव देहातों में भी कांग्रेस के झंडे, बैनर, पोस्टर खूब दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह बाकी होगा कि आखिरकार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मेहनत कितनी रंग लाती है, यह तो आने वाला समय ही बता सकता है। गौरतलब है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी व उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी भी लगातार क्षेत्र भ्रमण पर निकले हुए हैं और लगातार सभी लोगों से मिल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनसे वायदे कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनकी समस्याओं पर बिल्कुल गौर किया जाएगा और नए नए विकास कार्य किए जाएंगे। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।